हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सी टेट संस्कृत सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। संस्कृत में क्या क्या आता है, संस्कृत में सी टेट में क्या क्या आता है। जो संस्कृत का पेपर होता है उसमें संस्कृत टोटल 30 नंबर की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 30 मार्क्स की आती है। और इन 30 मार्क्स में एक होता है गद्यांश, एक गद्यांश आता है, एक गद्यांश होता है प्लस एक पद्यांश होता है। एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। जो ये गद्यांश और पद्यांश होता है इसके क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं। ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया प्रत्याहार परिचय। प्रत्याहार परिचय। तीसरा टॉपिक हो गया उच्चारण स्थान। और चौथा टॉपिक हो गया संधि। चौथा टॉपिक क्या हो गया? संधि। पांचवा टॉपिक हो गया समास। और छठवा टॉपिक हो गया कारक। आगे देखते हैं। सातवां टॉपिक जो होता है वो शब्द रूप एवं धातु रूप, शब्द रूप हो जाता है। और आठवां टॉपिक हो गया धातु रूप। और नौवां टॉपिक हो गया अलंकार। और दसवां टॉपिक हो गया छंद। ये टोटल जो एक गद्यांश और एक पद्यांश टोटल 15 नंबर का आता है। गद्यांश और पद्यांश कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का आता है। और जिस 15 नंबर में पहला वर्णमाला, दूसरा प्रत्याहार परिचय, तीसरा उच्चारण स्थान, चौथा संधि, पांचवा समास, छठवा कारक, सातवां शब्द रूप, आठवां धातु रूप, नौवां अलंकार और दसवां छंद। इतने टोटल पार्ट होते हैं। और एक लास्ट में आता है वाच्य परिवर्तन। टोटल 11 टॉपिक होते हैं जो 15 नंबर से आते हैं। और 15 नंबर का शिक्षण होता है, आइए देखते हैं 15 नंबर शिक्षण में क्या क्या आता है। तो 15 नंबर में गद्यांश पद्यांश के साथ इसी में ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग को ग्रामर पढ़ना अनिवार्य है। आइए देखते हैं संस्कृत शिक्षण में क्या क्या आता है। देखते हैं संस्कृत शिक्षण में क्या क्या आता है। टॉपिक वाइज बिल्कुल चर्चा करेंगे इसमें हम। सबसे पहला टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये पहला टॉपिक होता है। और दूसरा टॉपिक भाषा अर्जन एवं अधिगम। और तीसरा टॉपिक सुनना बोलना पढ़ना लिखना का क्रम। सुनना बोलना पढ़ना लिखना का कौन सा क्रम सही होता है, इसमें क्वेश्चन आता है। और नंबर 4 होता है भाषा कौशल का विकास। नंबर 4 होता है भाषा कौशल का विकास। और नंबर
पांच होता है भाषा अधिगम सामग्री, नंबर पांच हो गया भाषा अधिगम सामग्री। नंबर छह निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। और नंबर सात संस्कृत भाषा में मापन एवं मूल्यांकन, संस्कृत भाषा में मापन एवं मूल्यांकन, तो ये टोटल सात टॉपिक होते हैं जो ये संस्कृत शिक्षण भी 15 नंबर की आती है। 15 नंबर की क्या क्या आती है? इसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत, नंबर दो भाषा अर्जन एवं अधिगम, नंबर तीन सुनना बोलना पढ़ना लिखना का क्रम, और नंबर चार भाषा कौशल का विकास, नंबर पांच भाषा अधिगम सामग्री, नंबर छह निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, नंबर सात संस्कृत भाषा में मापन एवं मूल्यांकन। तो ये इंग्लिश और संस्कृत दोनों की जगह पे एक सेकंड लैंग्वेज जो चूज करनी होती है उसका सिलेबस है ये। जो स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश डाले होंगे उनको इंग्लिश का पढ़ना है, और जो संस्कृत डाले होंगे उनके लिए ये सिलेबस है। अब आज की क्लास यहीं तक, आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग संस्कृत शिक्षण स्टार्ट करेंगे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। थैंक।